हाय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कुर्ती की स्लिट्स के बारे में। कुर्ती की स्लिट जो होती है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा नीचे पहनना, ताकि उनकी जितना भी साइड वाला पोर्शन है, जो बेल्ट वाला एरिया होता है सलवार का, या फिर जो हम ट्राउज़र्स पहनते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेल्ट वगैरह साइड से जो है वो शो ऑफ हो। उनका मतलब नहीं दिखाना चाहते वो लोग, उसको शो ऑफ नहीं करना चाहते। और कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा ऊपर पहनते हैं, ताकि हमारा जो कमर वाला पोर्शन वाला एरिया है वो प्रॉपर विजिबल हो साइड से, जो दिखता है। और कुछ लोगों में क्या होता है, जिनका टमी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनमें क्या आता है कि अगर हम स्लिट्स थोड़ा नीचे रखते हैं तो उनका जो टमी वाला पोर्शन होता है, मतलब जो पेट वाला पोर्शन होता है, वो बीच में अटकता है। दैट मीन्स कि वो ज़्यादा हैवी लगता है। कि अगर आप उसको बिल्कुल बंद करके पहनोगे, थोड़ा सा टाइट कर दोगे वहाँ से अगर आप, तो वो लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा पेट है, निकला निकला सा, तो उसमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से हमें किस तरीके से उसका मेजरमेंट लेना चाहिए कि हम अच्छे से जो है वो स्लिट्स रख सकते हैं, तो उसके लिए आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जो सब्सक्राइब बटन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अदरवाइज आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और अगर 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 आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिनको सिलाई में इंटरेस्ट है, या फिर जो बिगनर्स हैं जो सिलाई करना चाहते हैं और उनको थोड़ा बिगनर पॉइंट से, व्यू ऑफ पॉइंट से नॉलेज चाहिए, तब आप उनके साथ मेरी वीडियोस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। होप सो कि आपको भी वीडियो पसंद आएगी, और जिनके साथ आप शेयर करोगे उनको भी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्लिट्स के बारे में आज, जो कुर्ती के चाक होते हैं उनके बारे में। नॉर्मली जो होता है कुर्ती के चाक होते हैं वो 21.5, मतलब के 21.5 इंच से हम उसको ओपन करते हैं, कि वहाँ से हम उसको खोलते हैं, खुले रहते हैं उससे नीचे। तो स्मॉल साइज़ में हम 21.5 पे रखते हैं, क्योंकि आधा इंच जो है ऊपर सीम अलाउंस में चला जाता है, और 21 इंच पे वो रेडी रहते हैं। उसके बाद जो मीडियम साइज़ है उसके लिए हम 22.5 इंच, और जो एक्सल साइज़ है, डबल एक्सल साइज़ है, उनके लिए 23.5 इंच। इससे ज़्यादा जो है वो हम स्लिट्स को ओपन नहीं करते हैं, मतलब बहुत इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि अगर आप और नीचे करोगे तो हमारा जो टमी वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही टाइट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो हिप्स हैं और जो हमारा टमी है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो वहाँ से फंस के आता है, और स्लिट्स जल्दी फट भी जाते हैं उसकी वजह से, और फिनिशिंग भी परफेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि उसमें बहुत ही अजीब सा फील होता है, फिट फंसा फंसा सा। तो इसलिए तो नॉर्मली ये थे वो स्लिट्स जो कि हमें रखना है। हमें किस किस के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू साइज़, हमें कहाँ कहाँ पे 21 इंचेस, 22 इंचेस, 23 इंचेस, ये हमें अपने साइज़ के हिसाब से स्लिट्स जो हैं वो रखने हैं। आधा इंच इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो सीम अलाउंस में चला जाता है इसलिए। दूसरी चीज़ कि जब भी आप स्लिट रखते हो, जब भी आप स्लिट्स वगैरह बनाते हो, तो हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट देख के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को स्लिट्स थोड़े ऊपर पसंद होते हैं और कुछ को नीचे पसंद होते हैं, और कुछ कहते हैं, अब जैसे हम 21 इंचेस रखते हैं, जब भी आप कस्टमर का बॉडी नाप लेते हो तो उन्हें आप एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप कहाँ तक अपने स्लिट्स जो हैं वो रखने चाहते हैं। कई लोग नीचे रखते हैं तो कई लोग थोड़ा ऊपर रखते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें हल्का सा ऊपर चाहिए स्लिट, तो हम सिर्फ 2 से 2.5 इंच का फ़र्क डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर किसी को, क्योंकि आजकल नॉर्मली जो स्कर्ट्स हैं, शराराज हैं, गरारे हैं, उनके साथ जो है स्लिट बहुत ऊपर चलता है, तो हम जो हमारा कमर वाला पोर्शन होता है, कमर वाले पोर्शन से हम 2.5 से 3 इंच तक नीचे रखते हैं स्लिट। और ये जो स्लिट जब हमारा नीचे आता है, तो उस जगह पे हम वहीं पे मार्क आउट करते हैं जो उस जगह का नाप होता है।
अगर आप कमर से 2 से 2.5 इंच तक के नीचे का स्लिट रख रहे हो तब आपका नाप वही आएगा जहाँ पे वो फिटिंग है उसी का। ये नहीं कि अगर आप 21 इंच पे मान लीजिए कि 9.5 इंच आप उसकी रखते हो, ओके अगर मान लीजिए आपका 36 इंचेस जो है वो कमर है तो हम 9 इंच रखेंगे उसका चौथा हिस्सा रखते हैं, 36 इंच इंक्लूडिंग जो उसका सीम अलाउंस वगैरह एक्स्ट्रा मार्जिन्स जो हैं वो ऐड करने के बाद मैं ये आपको बता रही हूँ। अगर आप 36 के हिसाब से रखते हैं तो हम 9 इंच रखेंगे, 9 इंच वो आएगा 21 इंच पे जो हम 9 इंच रखते हैं कमर के हिसाब से। बट अगर आप ऊपर हिप राउंड के ऊपर रखते हैं कमर वाले पोर्शन पे तब आपको वहाँ का नाप लेके वहाँ पे स्लिट रखना पड़ता है और वहीं से हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है आपके घेर में भी फर्क आता है, आपका घेर थोड़ा है वो छोटा हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका घेर ठीक ठाक रहे तो हम क्या करेंगे वहाँ ऊपर से लेके बिल्कुल कोने तक जहाँ तक हमारे रेडी घेर आता है, रेडी घेरा आएगा वो आएगा 10 इंचेस के अराउंड, 10 या 10.5 इंचेस के अराउंड जो भी रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर की उसके हिसाब से, तब हमें क्या करना है हमें उस पॉइंट तक जाके उसको मिला देना है तो आपका जो रेडी शर्ट रहेगा वो ए लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज़ देख के चलनी है कि वो हमारा ए लाइन में आ रहा है या हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है वो आपके ऊपर है। मोस्टली जो है वो स्ट्रेट भी रखा जाता है क्योंकि वो स्कर्ट और गरारास वगैरह के साथ पहनना होता है तो उसमें क्या होता है कि वो शो ऑफ होता है, साइड वाली चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं। अदरवाइज़ अगर आप ए लाइन पहनोगे तो साइड से दिखना जो है वो थोड़ा सा डिसअपीयरेंस में चला जाता है। तो अगर आप बिल्कुल साइड से स्लिट जो है वो बंद रखना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे जो हमारा साइड मार्जिन है, साइड मार्जिन डिस्टेंस के अगर हम 10 इंच पे अपना मार्किंग कर रहे हैं, 40 इंचेस के आपकी कमर है तो हिप राउंड जो आपका 40 के आसपास आ रहा है तब वेस्ट लाइन हमारी तो उस पर हम क्या करेंगे मार्क कर देंगे 10 इंचेस पे। तो 10 इंच मार्क करने के बाद हम उसमें आधा इंच जो है नीचे वाली साइड को, ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे 10 इंच मार्क करेंगे जो हमारा रहेगा। बट जब हम स्लिट बंद करते हैं तो बिल्कुल नीचे वाला जो कॉर्नर होता है वहाँ पे हम आधा से 1.25 इंच तक बढ़ा देते हैं, मतलब कि आप 0.75 इंच तक उसको या 1 इंच तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और वो भी थोड़ा इस शेप में आ जाता है। बट अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहते हैं तब आप बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। उसके पीछे आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, या तो आप स्मॉल स्लिट रखिए साइड पे 3 से 4 इंचेस तक के स्मॉल स्लिट्स, अदरवाइज क्या है बैक साइड पे आप एक सेंटर स्लिट दे दीजिए। उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप चलोगे आपको बैठने में चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा वो फंसा फंसा सा फील होता है इसलिए हमें साइड्स पे स्लिट रखने पड़ते हैं। तो ये थी स्लिट्स की वीडियो, बाकी मैं आपको एक बार शर्ट के ऊपर प्रॉपर बता देती हूँ कि हम किस तरीके से रखते हैं स्लिट्स को, कहाँ से हमें क्या मेजरमेंट लेना पड़ता है, कहाँ से हमें उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये है हमारा जो स्लिट ओपन पॉइंट है यहाँ पे आता है और इसके बाद आप स्लिट्स को ऊपर रखना चाहते हो नीचे रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी आपको इस पर ड्राफ्टिंग करके बता रही हूँ किस तरीके से रखा जाता है। तो नॉर्मल तरीके से मैंने अपनी कुर्ती को जो है वो मार्कआउट कर लिया है, यहाँ पे उसकी ड्राफ्टिंग कर ली है, 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है और उसके बाद इसकी शोल्डर्स की मार्किंग है फ्रंट और बैक की, ये इसका शोल्डर स्लोप है जो 1/2 इंच आता है और बाकी इसके अपर बस्ट लोअर बस्ट कमर की और हमारे जो हिप राउंड है उसकी मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। तो नॉर्मली जो हमारा जो स्लिट होती है हमारी उसे हम ओपन करते हैं 21.5 से स्मॉल साइज में और इसके अलावा 1/2 इंच जो है वो सीम अलाउंस में चला जाता है तो जो रेडी रहता है वो 21 इंचेस रहता है और यहाँ से हम अपना जो घेर तक की लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगाते हैं। इस तरीके से रखने के बाद स्मॉल साइज 21.5 इंचेस, मीडियम साइज 22.5 और एक्सल साइज आएगा 23.5। एक्सल डबल एक्सल जो हैं वो 23.5 के अराउंड ही आते हैं क्योंकि 1/2 इंच सीम अलाउंस में जाता है तो जो रेडी रहेगा वो 23 के अराउंड ही रहेगा। तो ये मेरी जो मार्किंग है इस टाइम 21.5 पे है और ये है हमारा घेर वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा।
अगर आप ए लाइन कटिंग करते हो तब आप फैब्रिक भी उतना ही एक्स्ट्रा रखोगे, और इस तरीके से आप अपने फैब्रिक को एक्सटेंड करके जितना आपको ए लाइन में एक्सटेंड करना है उतना करके हल्का सा कर्व शेप दे दोगे साइड से, क्योंकि ए लाइन जो है वो हमेशा साइड से कर्व शेप में आता है। चाहे आप इस स्लिट को फिर ओपन रख लीजिए, चाहे आप बंद कर लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं होता है इसमें। बट अगर हमें कोई कहता है कि हमें 1 से 1.5 इंच ऊपर चाहिए, तो हम 1 से 1.5 इंच जो है मार्किंग उसकी ऊपर करते हैं। जैसे 21.5 यहाँ पे की है तो हम 19.5 पे करेंगे, बट हम जो मार्किंग 9.5 पे कर रहे हैं वो 19.5 पे जो मार्किंग हो रही है उसका मेजरमेंट वही रहेगा जो इस लाइन पे आ रहा है। ये नहीं है कि जो मेजरमेंट हमने नीचे लिया है सेम वही मेजरमेंट हम ऊपर लगाएंगे तब हमारा जो है शर्ट जो है वो वहाँ से 1 से 1.5 इंच जो है वो लूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हल्का सा अंदर की तरफ आएगा और हमारे स्लिट्स जो हैं वो भी अंदर की तरफ फोल्ड होंगे। आप चाहो तो इसको मार्किंग में नीचे जो अपने स्लिट्स हैं अगर हम उसको 10 इंच तक रखते हैं घेर को, तो आप 10 इंच के घेर से मिला दीजिए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट ये है कि बिल्कुल ही अंदर अंदर को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की बजाय उसको आपको हल्का सा यहाँ पे ए लाइन में देना पड़ता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आप इसको और ऊपर बढ़ा सकते हो, बट आपको जितना आप ऊपर करोगे आप उतना ही यहाँ पे मार्किंग करोगे जितनी कि आपकी बॉडी मेजरमेंट है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप नीचे वाला नाप ऊपर रखते हो तब ये नाप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता है और आपका जो शर्ट है उतना ही लूज़ हो जाएगा चाक वाले पोर्शन से और वो उसकी फिटिंग जो है वो परफेक्ट नहीं आएगी। मोस्टली आजकल क्या होता है, जो गरारा और शरारा हो गए, लहंगाज हो गया, उनमें कमर के पास से स्लिट जो हैं वो ओपन रखे जाते हैं, तो उनका जो है वो घेर भी छोटा हो जाता है और उसके हिसाब से ही हम अपने घेर की मार्किंग करते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने चाक की जो है ओपनिंग रखते हैं, चाक जो है वो खुले रखते हैं। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आप मार्कआउट कर रहे हो उतना बॉडी का जो मेजरमेंट है उस पोजीशन पे, मतलब जब भी आप नाप लेते हो तो बॉडी का मेजरमेंट उसी पोजीशन के हिसाब से रखना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। और स्लिट्स को किस तरीके से फोल्ड किया जाता है बहुत ही ईजी वे में, उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके उसको सर्च आउट कर सकते हो। अदरवाइज़ लिंक जो है मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो। तो जितना आपको छोटा रखना है जितना आपको बड़ा रखना है, बट मार्किंग आपको अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से करनी है। अदरवाइज़ अगर आप बॉडी मेजरमेंट नीचे के हिसाब से करोगे तो वो बहुत लूज़ हो जाएगा और उसकी फिनिशिंग जो है वो परफेक्ट नहीं आएगी। होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।